अब तुम सबको झुकना होगा दोस्तों। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? सुनियो, हमारा इस जैसी चीज के आगे झुकने का क्या मतलब? कुछ समझ नहीं आया। क्या कहा तुमने नोबिता? इस जैसी चीज से क्या मतलब है? ये बहुत ही अनोखी है, ये बहुत खास और पुरानी है। इसका मतलब? कहानी बहुत पुरानी है, इसको मेरे दादाजी को एक राजा ने दिया था नोबिता, इसलिए ये बहुत कीमती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत खास भी होगी ना सुनियो? हाँ हाँ शिजुका, ये चीज बहुत ही कीमती और खास है। इस चीज को मेरे दादाजी को राजा ने तब दिया था जब मेरे दादाजी ने उनकी जान बचाई थी, और तो और उन्होंने मेरे दादाजी को अपने महल में ही रख लिया। तो इसका मतलब बाद में वो राजा से हार गए थे? नोबिता, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? उन्होंने राजा की जान बचाई थी, हारे नहीं थे वो। हाँ, तो ये वो है, मैं जरा छू कर देखूं। बिल्कुल नहीं, अगर ये गंदी हो गई तो मेरे डैड मुझे बहुत डांटेंगे। अच्छा नोबिता, ये बताओ कि क्या तुम्हारे घर में भी ऐसी ही कोई खास चीज है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे घर पर है। क्या तुम सच कह रहे हो नोबिता? अगर ऐसा है तो हमें दिखाओ। हाँ हाँ, दिखा दूंगा। वैसे मुझे लगता है कि मेरी चीज से बेहतर चीज नहीं होगी तुम्हारे पास। ये सुनियो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, हमेशा डींगे हाँकता रहता है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, अब मैं भी उसे दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या क्या है, फिर चुप हो जाएगा। मैं घर आ गया। सुनिए डैड। हाँ नोबिता, बोलो क्या बात है? डैड, हमारे घर में कोई अनोखी चीज है, बताइए ना। है? तुम ये अचानक कैसी बातें कर रहे हो? याद कीजिए ना, जरूर होगी डैड। सोचने दो। हाँ कुछ तो होगा, अलमीरा की ड्रॉर में देखना पड़ेगा, वहाँ जरूर कुछ ना कुछ होगा। अरे वाह, मैं भी उसे एक बार चला कर देखूंगा, ठीक है? नोबिता, मैंने कब कहा वहाँ तीर कमान है, पर कुछ तो जरूर होगा, देखते हैं। क्या मैं उसे अभी नहीं देख सकता डैड? चलो चल कर देखते हैं। मिला तो है कुछ, ये मिला। हाँ, जल्दी दिखाइए, जल्दी कीजिए ना डैड। इतने उतावले मत बनो, क्या बात है? ना जाने क्या होगा इसके अंदर। हाँ? अरे ये क्या है डैड? ये शायद हमारे पूर्वजों के दस्ताने हैं जो वो पहना करते थे, खेतों में काम करते वक्त वो इन्हें पहना करते होंगे, शायद ये वही है। नोबिता, ये लड़का भी बस अजीब है। ये कोई बात हुई? ऐसा क्यों है कि सुनियो के पास शानदार तलवार है और मेरे पास फटे दस्ताने हैं? डरे बात बोलो ना। नोबिता, बेकार की बातें मत करो। बेकार की बातें? तुम्हें नहीं लगता डोरेमोन, हमारे पास भी खास चीज होनी चाहिए? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अच्छा, समझ गया, अब चलो शोर मचाना बंद करो और मेरे पीछे पीछे आओ। ये हो गया, हो गया, हो गया। अब टाइम मशीन, जल्दी से हमें पुराने जमाने में ले चलो। हम पुराने जमाने में जाके करेंगे क्या डोरेमोन? तुम्हें जो चीज चाहिए वो हमें वही जाकर मिलेगी नोबिता, इसीलिए हम लोग पुराने जमाने में जा रहे हैं। फिर तुम सुनियो को भी दिखा पाओगे कि अनोखी चीजें सिर्फ उसके पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास भी है। अब बोलो नोबिता, मेरा आइडिया तुम्हें कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। जब हम वापस आएंगे तो हम सबको चौंका देंगे और सबको दिखा देंगे कि हमारे पास भी एक ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं। तो अब बताओ नोबिता, फिर तो तुम बहुत खुश होगे ना? हाँ डोरेमोन, बहुत। तो कितनी शांति है ना, क्या हमें वो चीज यहाँ मिलेगी? मुझे ऐसा लगता है कि हम जो ढूंढने आए हैं वो हमें यहाँ आसपास ही मिल जाएगा। हाँ, अरे हाँ, ये तो गिलहरी है। में कितनी हरियाली थी ना नोबिता, हरे भरे पहाड़, नदी में खूब सारा पानी, हवा भी साफ और सुहानी थी, और इसीलिए पहाड़ों के आसपास काफी सारे जानवर रहा करते थे। सब कुछ कितना सुंदर था ना? हाँ कितना सुंदर। नोबिता हट जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? भागो यहाँ से। वाओ, पहली बार मेरा निशाना कहीं जाकर लगा। अरे
इशारा लगा भी तो किस पे? रकून पे। रकून? मैं कोई रकून नहीं हूँ, मैं डोरेमोन हूँ, समझ गए तुम? अरे ठीक है, लेकिन शक्ल तो रकून जैसी है। तुम्हें मेरी शक्ल रकून जैसी दिखती है? अपनी शक्ल देखी है, बंदर जैसी दिखती है। अरे मेरी आंखें कमजोर हैं, इसलिए तो मुझे रकून दिख रहे थे। चलो अब जाने दो। वैसे आप झूठ तो नहीं? नोबिता? हाँ, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। अरे हाँ, ये भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं। शायद ये मेरे पूर्वज हैं। पता नहीं, हम दोनों जुड़वा दिखते हैं। मैं हूँ नोबिता को शिकारी हूँ। क्या सच में? तुम कौन हो? मेरा नाम है नोबिता। अरे हमारे तो नाम तक मिलते हैं। मुझे अपनापन महसूस हो रहा है। अरे ये तो होना ही था, हमारा रिश्ता ही ऐसा है। उन्हें बताना नहीं है। ओके, इत्तेफाक हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसे है ना? नोबिसाकू। अरे ये आवाज तो नोबिसाकू। अरे ओ शिजू, ओ शिजू। ये तो पक्का शिजू का है। नोबिता चुप हो जाओ। तुम दोनों ओ शिजू को जानते हो क्या? सुनो नोबिता, मुझे नहीं लगता कि हमारा यहाँ रहना ठीक होगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, हमें छुप जाना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, दरअसल। अच्छा तो तुम यहाँ हो, अब क्या करें डोरेमोन, जल्दी बताओ। अपने आप को ढक लो। ये लो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, तुम लंच भूल गए थे ना? तुम्हारा शुक्रिया। पता नहीं तुम्हारी भूलने की आदत कब जाएगी। बिल्कुल नोबिता जैसे हैं। डोरेमोन। वैसे ये दोनों कौन है नोबिसाकू? ये तो अभी अभी मिले हैं, मेरे नए दोस्त हैं। अच्छा ये नए दोस्त हैं, मिलकर खुशी हुई। हेलो, क्या हुआ, तुम लोगों ने उधर क्यों मुंह किया हुआ है? ज्यादा ही शर्मीले हैं। अच्छा ठीक है तो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, अपना लंच करना मत भूलना। हाँ। बाय दोस्तों। ओशिजू तो बहुत अच्छी है। हाँ वो तो है, मेरी बचपन की दोस्त है, बहुत अच्छी है मेरी तरह। तुमने उसे बात करते हुए सुना ना, कितने प्यार से बात करती है ना? हाँ हाँ सच में। वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है। नहीं नहीं, शिजू का मेरी दोस्त है। नोबिता चुप हो जाओ, हम पुराने जमाने में हैं। हाँ अभी क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं कहा। इस जंगल में बहुत ज्यादा जंगली जानवर हैं, बचकर रहना। वैसे तुम लोगों को जंगली जानवरों से डर तो नहीं लगता है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। ये तो खरगोश है। अरे मैं तो इससे डर गया था। नोबिता तो डरपोक है। बच्चे थोड़े तो होते ही हैं। पता नहीं अब क्या है। डरो मत, हो सकता है दूसरा खरगोश हो। लगता तो नहीं है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? डोरेमोन जल्दी कुछ करो। अरे डोरेमोन तुम्हें करना है। नोबिसाकू ये तो बहुत बहादुर है। भागो, हमें भी तो साथ लेकर चलो। रुक जाओ। सोचा था तुम बहादुर हो, लेकिन तुम तो डरपोक निकले। बोलो। तुमने उस जानवर को देखा, कितना बड़ा है वो, उसको देखकर तो कोई भी डर जाएगा। रुको दोस्तों, तुम दोनों मुझे छोड़कर इतने आगे कैसे पहुंच गए? मेरे लिए जल्दी भागो, जल्दी भागो।
अरे वाह, हर बार की तरह मेरा निशाना बिल्कुल सटीक था। मुझसे बचकर भागना कोई आसान काम नहीं है, समझ गए ना तुम? सुनियो, एकदम उसके जैसा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, दूर हटो। अरे सुनियो, अरे नोबिता, आखिर तुम लोग हो कौन और कहाँ से आए हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन लोगों से गलती हो गई, प्लीज ये मेरे नए दोस्त हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी माफी मांगो इनसे। अच्छा ठीक है, जल्दी से माफी मांगो फिर। ओह तो आप यहाँ पर हैं। महाराज बुला रहे हैं। ठीक है, इस बार तो तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, अगली बार तुम्हें मौका नहीं। बच गए। इसकी शक्ल से लगता है ये सुनियो का पूर्वज है, अगर वो नहीं होता तो मैं से खूब मजा चखाता। ये तो यहाँ का सबसे बहादुर सिपाही है। क्या कहा, बहादुर सिपाही? सुनियो के पूर्वज इतने बहादुर कैसे हो सकते हैं? तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ के सबसे बहादुर सिपाही नोबिता के, मेरा मतलब है आप हो सकते हैं। क्या कहा तुमने, मैं? नहीं नहीं, आप यहाँ के राजा बन सकते हैं। फिर देर किस बात की है, चलो चलते हैं लड़ाई के मैदान में, चलिए। मुझे नहीं बनना राजा वाजा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आप कहाँ जा रही है, रुकिए। बाहर निकलूंगा तो तुम मुझे लड़ाई के मैदान में ले जाओगे। नहीं लेकर जाऊंगा, दरवाजा तो खोलिए। बिल्कुल नहीं। थक गया। ये तो बाहर ही नहीं आ रही डोरेमोन, अब क्या करें? हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब उनकी जगह तुम्हें ही जाना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? मुकाबला करने के लिए और कहा नोबिता। क्या तुम बिल्कुल उनके जैसे दिखते हो, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम आसानी से उनकी जगह वहाँ जा सकते हो। बोलो, अच्छा आइडिया है ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। नोबिता तुम इतने डरपोक क्यों बन रहे हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ ना। लेकिन फिर भी नीचे उतरो नोबिता। मैं नहीं उतरूंगा डोरेमोन। अगर तुम हार भी गए तो कोई बात नहीं। समझ गया, अगर तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, अब मेरे पीछे आओ। बहुत बढ़िया। लड़ाई में उतरने के बाद मैं क्या करूँगा? ताओ तुम्हें बस। हे हट जाओ, तुम आखिर रास्ते में क्यों खड़े हो? हाँ? मेरे रास्ते से हट जाओ। जियान जैसे लग रहे हैं ना? हाँ? हे, मुझे ये बताओ तुम लोग यहाँ खड़े रहकर क्यों दिक्कत कर रहे हो, कहीं जाते क्यों नहीं? मुझे ये बताओ तुम जाना कहाँ चाहते हो? लड़ाई में। क्या कहा तुमने, लड़ाई में? तुम्हें क्या लगता है बिना किसी हथियार के तुम लड़ाई में लड़ोगे कैसे, बताओ मुझे? जरा अकल का इस्तेमाल करो और यहीं से लौट जाओ, समझे? अगर ऐसी बात है तो आप थोड़ी देर के लिए इसे हमें दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल मुझे इस लड़ाई में जाकर कुछ हासिल करना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं इस गांव में सबसे दमदार हूँ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, देख लेना। अरे ये तो, अरे वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है, मैंने आज तक कभी ऐसी चीज नहीं देखी। हे, क्या तुम मेरे हथियारों के बदले मुझे अपना ये खजाना दे दोगे? वो कितना अजीब है ना, उसे लगता है वो खजाना है। तुमने सही कहा, यहाँ की तो हर चीज ही अजीब है। चलो अब जल्दी से कवच पहन लो। ऐसा लग रहा हूँ तुम ऐसे बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसा क्या? यकीन नहीं होता, ये तो बिल्कुल असली है। जाओ नोबिता, ऑल द बेस्ट। अपना नोबिता। डोरेमोन, वहाँ ना बहुत खतरा है, मैं नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, बैम्बू कॉप्टर, ट्रांसपेरेंसी क्लॉथ, सुपर ग्लव्स, अब तुम आराम से मुकाबला कर सकते हो। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं मुकाबला किसकी तरफ से करूँगा? किसी की तरफ से भी कर सकते हो। नहीं ये नहीं हो सकता, मैं सही वाली साइड को बचाना चाहता हूँ। दरअसल एक मुकाबले में दोनों तरफ के लोग यही समझते हैं कि वही सही है, समझे?
देखो नोबिता, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम बस जल्दी से मैदान में उतरो और अपना काम करो, और घबराना बिल्कुल भी मत। बहादुरी से सबका सामना करना, मेरी बात समझ गए ना? समझ गया। और पता है, मुझे तो लगता है ये मुकाबला करते करते जिस चीज के लिए तुम यहाँ आए हो, देखना वो भी तुम्हें मिल जाएगी। घबराना नहीं नोबिता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज तुम्हारी खैर नहीं। आज की लड़ाई का दिन कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। इस तरह हम बहुत जल्दी लड़ाई जीत जाएंगे। लगता है वो ही राजा है। मैं इनको पकड़कर दूसरे राजा के पास ले जाता हूँ, यही ठीक रहेगा। मैं ऊपर कैसे जा रहा हूँ? अरे ये क्या, राजा हवा में? अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? जल्दी करो जल्दी, अरे वो दूर जा रहे हैं। इन्हें छोड़ू कहाँ? हाँ, मैं इन्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। अरे वाह, शाबाश मेरे सिपाही, आज तक जो कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। तुमने इसको बंदी बना लिया, वाह क्या बात है। शुक्रिया, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम इनको यहीं पर छोड़ दो, तुम जा सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जाओ। शुक्रिया। अब बहुत जल्दी लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी महाराज। अरे सुने मारो, मैं इसे ले आया हूँ, ये उनका सबसे बहादुर सिपाही है। मुझे कोई बचाओ, मेरी मदद करो। इन दोनों को सजा दी जाए। कोई तो हमें बचाओ, हमारी मदद करो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैंने तो सोचा था ऐसे करने से लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैंने कब कहा ऐसे करने से लड़ाई खत्म हो जाएगी। सिपाहियों, इसे भी पकड़ो और बंदी बनाओ, इसे जाने मत देना। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे अरे को नहीं पकड़ सकते हो, जल्दी पकड़ो इसको। मुझे जल्दी ही यहाँ से भागना होगा। अरे रुको, भागो भागो। तो ठीक है, एक साथ मजा चखाता हूँ तो ठीक है। तो मजा आ रहा है तुम्हें? अरे कोई बचाओ हमें। रुक जाओ सब लोग, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे वाह, मैं बहुत कमाल का हूँ। अरे कितने भारी है ये दोनों। नोबिता, सब कुछ ठीक तो रहा ना? बहुत बढ़िया। लीजिए, अब आप इसे पहनिए। तुम अब चेंज करोगे क्यों? अरे अब जल्दी करो। लीजिए, अभी आपके पास रहेगा। आप सबको बताएंगे कि आपने राजा और सुनेमारू को बचाया है, और ये लड़ाई सिर्फ आपकी वजह से ही खत्म हुई है। आप समझ गए ना? जो भी हुआ है सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। लेकिन फिर मैं? अब हमारा काम पूरा हुआ, हमें जाना चाहिए। हम चलते हैं, बाय बाय बाय। पर नोबिता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद मेरे पूर्वज राजा बन गए हो, बड़ा मजा आएगा। हाँ सच में। तो सब कुछ बदल तो गया होगा ना डोरेमोन? मजेदार रहा, मैं जाकर पापा से जरूर पूछूंगा। हे पापा, कैसे हैं आप? क्या मेरे पूर्वज राजा थे?
हा? बेटा वो शिकारी थे, पर तुम्हें क्या इस बात से मतलब? लगता है कुछ नहीं बदला अब। ये तो बहुत अजीब बात है। चलो हम टाइम टीवी से पता लगाते हैं। अरे ये कौन सी जगह है? अरे महाराज उठ जाइए, महाराज उठ जाइए। सुने मारो, तुमने मेरी जान बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपकी जान बचाने के लिए सुने मारू ने अपनी जान दांव पे लगा दी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारे सम्मान के तौर पर मैं तुम्हें ये तलवार सौंपता हूँ। ये मेरी बहुत खास तलवार है, अब इसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो, समझे? हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। अरे वो तलवार! अच्छा तो ये सब हुआ था? हालांकि मैंने इतनी मेहनत की पर कुछ नहीं हो पाया। यानी जो तलवार सुनियो के पास है वो मेरी वजह से उसके पास है, क्या ऐसा ही है? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या सच में? लेकिन फिर बाकी लोगों का क्या हुआ? हमें देखना चाहिए। अरे हाँ, अरे वाह, मेरा पहली बार निशाना बिल्कुल सही लगा। अरे नोबिता, अच्छा फिर ये क्या चीज है डोरेमोन, बताओ? अरे ये तो वही सुपर ग्लव्स है जो हमने उन्हें दिए थे, है ना? ये क्या हो गया? लेकिन ये बात तो सच है कि वो कड़ी मेहनत करने लगे। मुकाबले का हिस्सा बनने की बजाय उन्होंने अपने लिए सुकून की जिंदगी चुनी। बढ़िया है ना? यही है जो मेरे पूर्वज ने पसंद किया था।